वर्ष 2022 में केटलाक पुलिस स्टेशन ना इंस्पेक्शन अने खास करीने अर्जी निकालनी जे झुंबेश सूरत शहर पुलिस द्वारा दरेक पुलिस स्टेशन में दरेक ब्रांच में राखवामां आवी त्यारे आ वस्तु अवारनवार अमारे ध्याने आवती थी के केटलाक लोन शार्क्स एटले व्याजखोर ईस्मो जरूरतमंद लोकोनी मजबूरीना लाभ लेता होय छे, व्याज उपर पैसा आपे, बहु ऊंचा व्याजे पैसा आपे, आ पैसानी पठाणी उघराणी करे, उघराणी करवामां मानसिक त्रास, दबाण, वारंवार उघराणी करवी, भयजनक रीते उघराणी करवी, केटलीक बाबतों में एवं ध्यान पर आया कि आखा परिवार आमा डिप्रेशन में मुकाई जता था, केटलाक लोको आपघात करवानू विचारता पण हता। आ बधी वस्तुना समग्र चित्र ने आवरी लईने एक नक्की करवामां आव्युं के हवे आ वस्तु उपर ध्यान केन्द्रित करीने सचोट ड्राइव चलावानी जरूर छे। आ ड्राइव सूरत सिटी में ऑक्टोबर महीना थी सघन रीते आना पहला पण केसो थता हता पण सघन रीते ऑक्टोबर महीना थी शुरू करवामां आवी। वर्ष 2022 ना छेला त्रण महीना में 53 केसो एवी रीते नोंधवामां आया हता। जे 53 केसो नोंधवामां आया आमां 72 आरोपीओनी धरपकड करवामां आवी हती। आ केसो बे रीते नोंधवामां आया, केम के लोको पहला मानसिक दबाण अनुभवता हता, वीक हती, लोको सामे आवता नहोता। आमा आखा विस्तार में टीमो मोकली अने टीमो ए गुप्त रीते आ माहिती एकत्र करी के कोण कोण लोको छे जे गैरकायदेसर रीते व्याजना धंधा करे छे, कोई पण इसम गमे ते होय लोकोना लोही चूसनार आ प्रवृत्ति सूरत सिटी में चलावी शकशे नहीं, आना माटे तमाम अधिकारीओ कृतसंकल्प छे अने टीम संपूर्ण रीते तैयार छे। जेमा अगाउ वात करी कोई पण ईसम आ प्रकारना धंधा कोई विस्तार में करता होय तो आना माटे अमारी टीमो फील्ड में सतत लोकोना अरजदारोना नागरिकोना भोग बनारना संपर्क में रहेशे। जे टीमो मैं अगाउ जणावेल क्राइम ब्रांचनी एक टीम छे, एक इकोसेलनी टीम छे अने तमाम झोनना एलसीबीनी टीम ने पण आ खास जवाबदारी सौंपवामां आवी छे। तो लोन शार्क्स ने कोईपण संजोगोमां सूरतमां गैरकायदेसर धंधा करवाना छूट आपवामां आवशे नहीं। पहली वस्तु रजिस्ट्रेशन करावा अगर कोई धंधा करी नहीं शकशे नहीं। नंबर बे, रजिस्ट्रेशन करावेल होय तो पण 1% ज्या सिक्योरिटी लीधेल होय अने 1.25% एटले वार्षिक 15% थी वधारे व्याज लई शकशे नहीं एवा किस्सामां ज्या कोई सिक्योरिटी लेवामां आवी नथी। पुलिस सतत आ बाबते जागृत रहेशे। तमाम पुलिस स्टेशनना इंस्पेक्टर्स डी स्टाफ ने आ बाबते ताकीद करी देवामां आवी छे। तमाम एसीपी झोनल डीसीपी सेक्टरना एडिशनल सीपीज एडिशनल सीपी क्राइम आ तमाम अधिकारीओने आ सूचना आपवामां आवी छे अने हूँ पण दररोज सीपी ऑफिसमां अरजदारोने मळता होऊं छूं। लोक दरबारमां तो हूँ आखा सिटीमां जुदा जुदा जग्याए जता होऊं छूं अमारा अधिकारीओ साथे। दररોજ 12 થી 1ની વચ્ચે કોઈ પણ અરજદારને આ બાબતે કોઈ તકલીફ હોય તો મને આવીને સંપર્ક કરી શકે। હું દરરોજ રૂબરૂ જઈને નાગરિક સહાયતા કેન્દ્રમાં તમામ વિઝિટર્સને સાંભળતો હોઉં છું અને આમાં સમયબદ્ધ રીતે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં પણ આવે છે। બહુ સંતોષની વાત આ પણ છે કે હવે પબ્લિકમાં આપના માધ્યમો મારફતે, આપના ન્યૂઝપેપર્સ, આપના ચેનલો મારફતે આ મેસેજ બહુ
सारी रीते पब्लिक सुधी पहुंचा छे ने हवे पब्लिक ना लोको पण सामे थी आवीने फरियाद नोंधावता शुरू थया छे। दाखला तरीके गई काले जोन 5 एकलाना विस्तार में 9 केसो एवा छे जेमा अरजदारो सामे थी आवीने फरियाद आपवा माटे तैयारी बतावी एनी फरियाद नोंधवामां आवेल छे, जेमा साहूकार धारा एटले लीगल मनी लेंडिंग एक्टनी कलम 40 42 एडी उपरांत आईपीसी 386 अने 387 नी साथे साथे 506(b) मुजबनी कलमो पण लगाड़वामां आवी छे। आ कुल 27 आरोपीओ अटक करवामां गई काले एकला जोन 5 मां आव्या छे अने एक अरजदारना फ्लेटनो असल दस्तावेज पण कब्जे करवामां आव्या छे, जे पढ़ावी लेवामां आया था। डायरी कुल 19, व्याजना हिसाबनी बुक 5, प्रोमिसरी नोट 1, फोन 5, भोग बननारनू एक जावा मोटरसाइकल, भोग बननारनी सोनानी चेन 1 अने बीजा एक अरजदारनी दुकाननो असल दस्तावेज पण पुलिस द्वारा रिकवर करवामां आवेल छे। आ झुंबेश जेममां अगाउ वात करी पूरी ताकत थी चलावामां आवी रही छे ने आ झुंबेश चालू रहेशे। कोई पण इसम जाहिर व्यवस्था माटे जोखमरूप आ प्रवृत्तिना मार्फते जणाशे तो एना विरुद्धमां पासाना पगला पण लेवामां आवशे, केम के साहूकार धारा मुजबना गुना आचरनार इसमोना विरुद्धमां पासा करी शकाय एवी जोगवाई पण छे अने आ जोगवाई प्रमाणे 7 ઈસમોને પાસા મુજબ અમે અટક પણ કરીને જેલમાં મોકલેલ છે। બીજા કેટલા કેસોમાં પાસા મુજબની કાર્યવાહી ચાલુ છે। આ તમામ પગલાઓ એટલા માટે લેવામાં આવ્યા છે કે કોઈ પણ ઈસમને બીક કે માનસિક કોઈ દબાણ અનુભવ કરવાની જરૂર નથી। કુલ 103 ગુનાઓ નોંધવામાં આવ્યા છે, જેમાં 111 આરોપીઓની ધરપકડ 111 આરોપીઓ સંડાવાયેલ છે, 85ની ધરપકડ થઈ છે, 26 જણા વોન્ટેડ છે, એને શોધવાની કામગીરી અત્યારે ચાલુ છે। આ ઝુંબેશ હવે વધુમાં વધુ વેગવંતી બનાવવામાં આવી રહી છે। ગઈકાલે એક જ દિવસમાં તારીખ 9 જાન્યુઆરીના રોજ એક જ દિવસમાં સુરત સિટીમાં 49 ગુનાઓ નોંધવામાં આવ્યા છે। આ 49માંથી 100થી વધારે કેસો ઝોન 5માં 30, ઝોન 2માં 12, ક્રાઇમમાં 3, ઝોન 6માં 2, ઝોન 1માં 1। બાકી આ કામગીરી ચાલુ રાખવામાં આવશે એવી છાપ સાચી નથી કે કોઈ માણસને એક વખત જામીન મળી ગયા કેસમાં તો પછી આ ધંધો ફરીથી શરૂ કરી શકશે। ખાસ કરીને આ ડ્રાઈવને વધુમાં વધુ પ્રભાવી બનાવવા માટે, પરિણામલક્ષી બનાવવા માટે 2 સ્ટ્રોંગ ટીમો અમે સિટીમાં બનાવેલ છે, એક ઇકોસેલમાં, એક ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં, અને દરેક ઝોનમાં LCB એની જવાબદારી છે કે પોતપોતાના વિસ્તારમાં જે આરોપીઓ વિરુદ્ધમાં ગુના નોંધવામાં આવ્યા છે આ લોકોને જામીન મળી હોવા છતાં ફરીથી આ ધંધા ચાલુ ના કરી શકે આ ચેકિંગ કરવાની, આ સર્વે ચાલુ રાખવાની અને ફિલ્ડમાં વોચ રાખવાની, એના ભોગ બનનાર ઇસમો સાથે સંપર્ક રાખવાની આ કામગીરી આ ટીમો ખાસ કરીને કરશે। લોન શાર્ક્સ એટલે વ્યાજખોરોને કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં સુરત શહેરમાં આ લોહી ચૂસવાનો ધંધો કરવાની તક મળશે નહીં, આના માટે પોલીસે સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કરી લીધી છે। વ્યાજનો ધંધો શરૂઆત એવી રીતે કરવામાં આવે કે તમે કોઈ પણ ઇસમ રજિસ્ટ્રેશન કરાયા વગર, નાણાં ધીરધારના રજિસ્ટ્રેશન કરાયા વગર આ ધંધો કરી શકે નહીં। કેટલાક લોકો રજિસ્ટ્રેશન વગર આ ધંધા કરતા હતા,
एवा ईस्मोनी शोधखोळ करी एनी विगतो भेगी करी पुलिस द्वारा एमना ऑफिसेस में रेड करवामां आवी एमने त्यांथी एना रेकॉर्ड साहित्य एकाउंट्स डायरीओ रिकवर करवामां आवी अने इलीगल मनी लेंडिंग एक्ट हेठळ एना विरुद्ध में सरकार तरफे गुनाओ नोंधवामां आव्या। आ प्रकारना केसो थया पछी अमारी आयोजना प्रमाणे अमे आ विचार्युं हतुं के एक वक्त एवी रीते केसो करता शुरू थईए तो लोकोनी बीक पछी खुलशे, लोको सामेथी आवता शुरू थया के एवी रीते अमे मजबूरीमां लोन लीधी हती अने लोननी व्याजनी टकावारी कोक केसमां 4% महीना, 5% महीना, 10% महीना, 15%, आनाथी पण वधारे टकावारी નું વ્યાજ વસૂલ કરવામાં આવતું હતું અને આમાં ધાક ધમકી, આમાં માનસિક ત્રાસ, આમાં દરેક પ્રકારની મકાન લખાવી લેવી, મિલકત લખાવી લેવી, કોઈ વસ્તુ પડાવી લેવી, આ બધી વસ્તુઓ ધ્યાને આવતા એવા દરેક કેસમાં આઈપીસીની કલમો 386-387 મુજબ કલમો સાથે આ ગુનાઓ નોંધવામાં આવ્યા હતા। मैं आपने वर्ष 2022 ना 3 महीना नी बात करी जेमा 53 केसों नोंधवामां आया था। आ झूंबेश जनवरी महीना में चालू छे। नामदार सरकारशीए पण आ बाबते बहु गंभीरता साथे तमाम ने काम करवानी सूचना आपी हती। डीजी साहेब तरफथी पण एक ड्राइव शुरू करवामां आवी छे। सूरत सिटी पुलिस द्वारा वर्ष 2023 में आजे 10मो दिवस है। आ वस्तु खरेखर लोकदरबार अने अरजीओनी चकासणी करवाथी अमारे ध्याने लगभग 3.5-1 महीना पहला आवी हती। पछी तात्कालिक कार्यवाही शुरू न करता अमे पहला आना अभ्यास कर्या। सर्वप्रथम ज़ोन 5 में डीसीपी हर्षद मेहताना विस्तार में आ एक्सरसाइज करवामां आवी के कोण कोण इस्मो छे जे गैरकायदेसर नाणा धीरधारनो धंधो करी रह्यो छे। आना पछी ઝોન 4 માં कार्यवाही थई, आना पछी ઝોન 2 માં थई अने हवे आ कार्यवाही दरेक ઝોન માં પૂરજોરથી चालू छे। लोक संवादना लोकदरबारना जारे कार्यक्रमो योजवामां आवे छे आमां शहेरनी नानामां नानी वस्तुनी वातो लोको अमने करता होय छे। एनी साथे साथे आपने खबर छे के सूरत शहर में अत्यारे दर रोज परेड ग्राउंड उपर जे परेड थाय छे एनी साथे साथे दरेक पुलिस स्टेशन ना विस्तार में जे लोकप्रिय मॉर्निंग वॉक ना पार्क अने गार्डन छे त्यां पण पुलिस ना अधिकारीओ जता होय छे, लोकोनी साथे संपर्क करता होय छे। त्यांथी पण अमारे ध्याने आ वस्तु आवी। केटलीक जग्याए अमे कम्प्लेन्ट बॉक्स पण मूक्या छे, आना मार्फते अमारे ध्यान उपर वस्तु आवती होय छे। समग्र प्रयास नो हेतु एक ज छे के कोई पण नागरिक ने गैरकायदेसर रीते कोई बीजा माणस वधारे पड़ता व्याज माटे हैरान करे नहीं अने गैरकायदेसर रीते व्याजनो धंधो करी शके नहीं।